हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, हमारी आज की कहानी मेरे एक दोस्त की है। अभी जल्दी ही उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई थी। मैं इस कहानी को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं, इस बात पे वो सहमत हुए, लेकिन नाम और पता साझा करने से उन्होंने मना कर दिया। तो व्यूअर्स, नाम और एड्रेस शेयर करने की परमिशन न मिलने के कारण मैं एक काल्पनिक नाम लेकर अपने मित्र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रवीण है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हम तीन दोस्तों के आसपास घूमती हुई एक सच्ची आपबीती है। मेरे पहले दोस्त का नाम महेश था और दूसरे दोस्त का नाम विमल था। हम बहुत घनिष्ठ और अच्छे मित्र थे। हम अपने हर अच्छे बुरे में एक दूसरे के साथ थे। ये कहानी 2017 की है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे घर से पैदल 20 मिनट की दूरी पे मेरा खेत पड़ता था। हमने अपने खेत में ही छोटा सा लेकिन रहने लायक फैसिलिटी देकर एक घर बनाया हुआ था। उसी घर में मेरा ट्यूबवेल और खेती करने का सारा सामान रखा जाता था। हमारा समस्त परिवार शाकाहारी है, लेकिन हम तीनों दोस्त कभी कभी मांस मछली और ड्रिंक का सेवन करते थे। और जब हमें ऐसा कुछ खाने पीने का मन होता था तो हम तीनों दोस्त अपने उसी खेत के छोटे से घर में चले जाया करते थे। हम कई बार ऐसा कर चुके थे, कभी मछली कभी मुर्गा लेकर उस खेत वाले घर पे जाते थे, वहीं खाना पीना और ड्रिंकिंग करके हम वहां पे सो जाते थे और फिर सुबह अपने घर वापस आ जाते थे। एक बार की बात है, वो 2017 की काली रात थी। रात के यही कोई 8 बजे रहे होंगे। हमने आज रात चिकन फ्राई और ड्रिंक करने का मन बनाया। हम मार्केट गए, ड्रिंक तो हमें मिल गई, लेकिन गांव में दुकानें जल्दी बंद हो जाने के कारण हमें चिकन नहीं मिल सका। हम ड्रिंक खरीद चुके थे। हमने सोचा इस ड्रिंक को उस खेत वाले घर में छुपा देते हैं, कल जब हम चिकन लेकर जाएंगे फिर उसके बाद इस ड्रिंक को पिया जाएगा। हम तीनों दोस्त अपने खेत वाले घर में ड्रिंक छुपाने जा रहे थे। हमारे खेत से 5 मिनट की दूरी पे एक तालाब पड़ता है जिसमें मछलियां पाली हुई थीं। तभी महेश ने हमसे कहा, रात हो गई है, आसपास कोई दिख नहीं रहा है, आज रात क्यों ना हम लोग उस तालाब से मछली पकड़ के लाएं, पूरी रात अपनी है, हम आराम से मछली बना के खा सकते हैं। व्यूअर्स, ये आइडिया आज पहली बार हमारे माइंड में आया था और ये आइडिया हमारे लिए अच्छा भी था। हम रात में चुपके से मछली पकड़ सकते थे, किसी को पता भी ना चलता और हमारे पैसे भी बच जाते। हमने ड्रिंक को खेत वाले घर में रखा और अपने घरों से पुरानी मच्छरदानियों को लाने के लिए हम वापस अपने अपने घरों को चले गए। और थोड़ी ही देर में अपने घरों से हम मच्छरदानी लेकर अपने खेत वाले घर में आ गए। रात के करीबन 9 से 9:30 बज चुके थे। हमने जल्दी जल्दी पुरानी मच्छरदानियों से एक बड़ा सा जाल बनाया और उस तालाब की तरफ हम चल दिए। वो तालाब एक नॉर्मल तालाब था। हमने इससे पहले कभी भी वहाँ पे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में नहीं सुना था। हम तालाब पे पहुँचे, बात ये तय हुई मैं और महेश जाल लेकर पानी में उतरेंगे और विमल तालाब के बाहर रह के मछलियों को कलेक्ट करेगा। तालाब के पास कुछ पेड़ लगे हुए थे। विमल वहाँ टॉयलेट करने गया था, अचानक से वो दौड़कर हमारे पास आ गया और बोला, वहाँ पेड़ के पास कुछ है। हमने कहा, वो कुत्ता
या कोई और जानवर होगा। डरने की बात नहीं है, इतनी रात में यहाँ कोई और नहीं आएगा। मैं और महेश जाल लेकर पानी में उतरे। विमल तालाब के कोने में कॉर्नर पे बैठा था। हमें आसानी से मछलियाँ मिल रही थी। हम मछलियाँ लेकर तालाब के कोने में आते और बाहर विमल की तरफ फेंक देते थे। विमल चुपचाप शांति से बैठा था। वो बस मछलियाँ कैच करके रखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हमें लगा कि अब तक ठीक ठाक मछलियाँ हमने पकड़ ली है, तो हम तालाब से बाहर आए और अपने खेत वाले घर की तरफ जाने लगे। विमल बिल्कुल चुप था, हमसे कोई बात नहीं कर रहा था। हमने सोचा डर गया होगा इसलिए ये चुप है, थोड़ी देर के बाद विमल नॉर्मल हो जाएगा। मछली वाला झोला विमल के हाथ में था। जब हम खेत वाले घर पे पहुंचे, विमल जाते ही चारपाई पे लेट गया। हमने भी सोचा जाने दो, ये डरा हुआ है, आराम करने दो, मछली बनाने के बाद उसको बुलाया जाएगा। और फिर जब मछलियाँ साफ करने के लिए हमने मछली वाला झोला उठाया तो हम बहुत चकित रह गए। हम समझ रहे थे 12 से 15 रोहू मछली हमने पकड़ा है, मगर झोले में बस 3-4 मछली ही रह गई थी। महेश विमल पर चिल्लाया भी, पागल नींद में चल रहा था। सारी मछलियाँ रास्ते में गिराते हुए आ रहा है। थोड़ी दूर तक हम फिर वापस गए, हमें रास्ते में कहीं भी गिरी हुई मछली नहीं मिली। आखिर में उस 3-4 बचे हुए रोहू मछली को हमने पकाया। विमल अब भी गुमसुम था, बिना कुछ बोले वो मछली खाकर उठा। हम बहुत चकित थे क्योंकि विमल ऐसा नहीं था, वो बहुत बात करने वाला लड़का था, लेकिन आज वो बिल्कुल चुपचाप शांति से गुमसुम बैठा हुआ था। हमने किंगफिशर 750 ml बियर की 2 बोतल ली थी। मछली के बाद जब हमने बियर उठाई, विमल ने पूरा एक बोतल उठाया और एक ही सांस में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। हम बस हैरत से उसे देख रहे थे। वो बियर पी के उठा और अपने बिस्तर पे गिर गया। हम भी सोने चले गए थे, मगर विमल की आज इन हरकतों पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था। खैर हम सो गए। सुबह 7 बजे हमारी आँख खुली। मैंने महेश को वहीं सोते हुए देखा, लेकिन विमल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा वो और पहले उठकर अपने घर चला गया होगा, क्योंकि विमल इससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था। वो कभी कभी हमसे पहले उठता और हमें बिना बताए वापस अपने घर चला जाता था। खैर मैंने महेश को जगाया। हमने बियर की बोतल और मछली की हड्डियों को एक प्लास्टिक में रखा और उसे दूर फेंका। फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ चले आए। जब हम घर पहुंचे तो हमें मालूम हुआ विमल अपने घर पे नहीं है, उसके घर वाले विमल को ढूंढ रहे हैं। अब तो हमको घबराहट होने लगी। मारे डर के हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी किसी ने आकर बोला, विमल मछली पालन वाले तालाब के पास बेहोश पड़ा है। ये वही तालाब था रात में जहाँ पे हमने मछली पकड़ी थी। हम डर गए। हमें नहीं पता विमल दोबारा कब और कैसे उस तालाब पे पहुँचा था। लोग विमल को लेकर घर आए, उसको होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। हम भी उसको देखने गए, वो अपनी आँखें ज़मीन में गड़ाए बैठा था, न किसी को देख रहा था, न किसी से कुछ बोल रहा था। डॉक्टर आया, उसने विमल को बुखार की दवाई दी और आराम करने को बोल के वापस चला गया। उस दिन भर विमल सोता रहा। रात में उठा, वो अब तक वैसा ही था, न किसी से कुछ बोल रहा था, न किसी को देख रहा था। हमें बहुत दुख हो रहा था, मगर हम मारे डर के किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। अगर हम कुछ बताते तो हमारी ड्रिंक और मांस मछली वाला सीक्रेट सबको पता चल जाता। उसके घर वालों ने उसे रात का खाना खिलाकर दवाई खिलाई। विमल फिर वापस लेट गया। सब परेशान थे, हम भी घबराहट में थे। विमल के लिए
भगवान से प्रार्थना करके हम अपने घर सोने चले आए। विमल का घर मेरे घर से सटा हुआ एकदम पास में था। रात के 3 बजे थे, मेरे घर वालों ने मुझे जगाया। विमल के घर वाले और पड़ोस के कुछ लोग विमल को ढूंढने जा रहे थे, क्योंकि विमल अपने घर में अपने बिस्तर पे नहीं था। वो रात में न जाने कब न जाने कहाँ चला गया था। जब उसके पिताजी को विमल आसपास कहीं नहीं दिखा, तब उन्होंने अपने पड़ोसियों को विमल को ढूंढने के लिए बुलाया था। मैंने महेश को भी बुला लिया था। हम सब मिलकर महेश को ढूंढ रहे थे, वो हमें कहीं नहीं मिला। हम सब अपने खेत वाले घर पे भी आए, विमल वहाँ भी नहीं था। फिर हम विमल को ढूंढते ढूंढते उसी तालाब पे पहुँचे। हम कुछ लोगों ने उस तालाब पे जो दृश्य देखा, उससे हमारे हाथ पैर फूल गए थे। उस रात तालाब के बाहर जिस कोने पे विमल बैठा था और हम उसके पास मछली पकड़ पकड़ के फेंक रहे थे, आज तालाब के उसी कोने में गर्दन तक पानी के अंदर विमल खड़ा था और मछली पकड़ पकड़ के तालाब के बाहर फेंक रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हमने विमल को तालाब के बाहर मछली फेंकते हुए देखा था, लेकिन जब हम तालाब के बाहर चेक करने लगे तो हमें वहाँ कोई मछली नहीं दिखाई दी। सब लोग विमल को पकड़ के घर लाए। उसके घर वाले दुखी थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विमल के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर आया, उसने कुछ दवाई दी और बताया ये मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है, इसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली गई। 2 दिन बाद विमल को डॉक्टर के यहाँ जाना था, मगर आज फिर वही हुआ। दिन भर सोया और आधी रात को वो फिर गायब हो गया। वो कैसे जाता था, कौन लेकर जाता था, किसी को कुछ नहीं पता। आधी रात विमल को बिस्तर पे न देख उसके पिताजी घबरा गए। उन्होंने फिर सबको बुलाया। हम कुछ लोग मिलकर विमल को ढूंढने लगे। इस बार कहीं और न जाकर डायरेक्ट उसी तालाब पे हमने जाने का निश्चय किया, क्योंकि पिछले 2 बार विमल उसी तालाब पे हमें मिला था। और इस बार जब हम तालाब पे पहुँचे तो हमने वो देखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विमल हमें उसी तालाब में मिला, लेकिन इस बार वो मर चुका था। तालाब के उसी कोने में विमल डूब गया था। उसके सर के थोड़े थोड़े बाल पानी के ऊपर हमें दिख रहे थे। उसको तालाब से निकाला गया। अब हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारे साथ नहीं था। हम बहुत उदास और दुखी थे। उसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। अंतिम संस्कार हुआ। हम आखिर तक उसके अंतिम संस्कार में लगे रहे। शमशान से आने के बाद हमें रह रह के अचानक से मछली की बहुत भयानक गंध आती थी। हैरत की बात यह थी, ये गंध बस मुझे और महेश को ही आती थी। जैसे तैसे वो दिन बीता। दूसरा दिन आया। दूसरे दिन भी हमें अचानक से मछली की भारी गंध आती, फिर खत्म हो जाती। हमने दूसरों से भी पूछा, लेकिन मुझे और महेश को छोड़कर ये गंध किसी को नहीं आती थी। मैं और महेश बहुत डर गए। हमने आपस में सोच विचार किया। हमारे गांव के पास एक साईं बाबा की कुटिया है। कुछ दिनों से वहां एक अघोड़ी साधु बाबा आके रह रहे थे। मैं और महेश उस कुटिया में गए और अघोड़ी बाबा के पैरों में गिर गए। उनसे हमने रो रो के सारी बातें बताई। उन बाबा ने हमारे सीने में भभूत मला और थोड़ा थोड़ा भभूत हमारी नाक में भी डाला। हम दोनों को उन्होंने एक धागा बांधा और बोले, उस लड़के की 13वीं से पहले गांव छोड़कर चले जाना और 13 अमावस के डूब जाने से पहले वापस गांव में मत आना, वरना मारे जाओगे। हम इतनी जल्दी गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे, लेकिन बहुत प्लानिंग करने के बाद हमने एक बहाना ढूंढा और विमल की 13वीं से 2 दिन पहले हम गांव छोड़कर चले गए। हम अंदर से इतना डर गए थे
कि पूरे 2.5 साल बाद हम दोबारा गांव में वापस आए थे। हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई है, हमारा डर भी अब खत्म हो गया है। वो तालाब अभी भी है, अब भी उसमें मछली पालन होता है, लेकिन मैं अब जल्दी उस तालाब पे नहीं जाता क्योंकि उसने हमसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया था। काश हमने उस दिन सबको पूरी घटना बताई होती, उसके घर वाले उसे किसी बाबा के पास ले जाते और विमल बच जाता, मगर हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और विमल को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। हम तीनों में बस उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसे कौन तालाब के पास लेकर जाता था? तालाब से मछली पकड़कर वो एक कोने में किसके पास मछलियां फेंकता था? उस पे कौन सी आत्मा सवार हुई थी जिसने विमल को चुप कर दिया था? हमें मछलियों की गंध क्यों आती थी? बाबा ने हमें 13वीं से पहले जाने और 13 अमावस डूब जाने के बाद वापस आने वाली बात क्यों कही थी? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका जवाब बस विमल दे सकता था या अघोड़ी बाबा दे सकते थे, लेकिन विमल अब हमारे साथ नहीं है। और जब हम गांव वापस आए तब तक वो बाबा भी कहीं और जा चुके थे। ये सारे सवाल बस सवाल बनकर रह गए जिसका जवाब शायद ही हमें कभी मिल पाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द कुछ अच्छी और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।